नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पिछले रविवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर पर हमला होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं इस मंदिर के महंत। इसीलिए जब मुर्तजा अब्बासी नाम का युवक एक हसिया लेकर मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों पर टूट पड़ता है तो हंगामा मच जाता है। इस हमले के बाद सब ये जानना चाहते थे कि देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी से पास इंजीनियर जो नामचीन कंपनियों में काम कर चुका हो उसने ऐसा क्यों किया। इस सवाल पर आज खुद आरोपी ने अपना मुंह खोला है, लेकिन अखिलेश यादव ने मुर्तजा की मानसिक हालत का ध्यान रखने की अपील करके बड़ा सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि हमारे देश में हर चीज में सियासत क्यों की जाती है। इसी मुद्दे पर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। गोरखधाम मंदिर के बाहर इस बेखौफ हमले से सनसनी मचा देने वाले केमिकल इंजीनियर मुर्तजा अब्बासी ने कैमरे के सामने पहली बार मुंह खोला है। बताया है कि वो गोरखपुर कैसे पहुंचा। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 रुपए का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से रगड़ा है, टेम्पो में रगड़ से जो है उसने कहा कि आपको इधर गोरखपुर पहुँचा देंगे। हमने कहा भाई ठीक है, गोरख ही हाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है उसी पर हम कुछ ना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी हम रहेंगे। मुर्तजा ISIS के आतंकी हमलों के वीडियोस देखता था। सीरिया के आतंकी संगठनों को भी वो पैसे भेज चुका था। कुल मिलाकर मुर्तजा के इरादे खतरनाक थे, इसीलिए उसने तय कर लिया था कि पहले वो सिपाहियों पर हमला करेगा, SLR राइफल छीनकर मंदिर में आए श्रद्धालुओं को निशाना बनाएगा। लेकिन गोरखपुर को ही उसने हमले के लिए क्यों चुना, इस बारे में मुर्तजा ने कैमरे पर कहा। बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना, हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग कर रहे हैं, उसको मैं दिमाग में रखूँ जस्टिफिकेशन। उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था, देखो मुसलमान का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा, तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोशल मीडिया बोला कर ही दो भाई। दावा है कि मुर्तजा अब्बासी जल्द ही कनाडा शिफ्ट होने वाला था। वो कनाडा से ही ISIS के गढ़ सीरिया भागने की फिराक में था, इसीलिए मुर्तजा ने बैंक खातों में करीब 20 लाख रुपए जमा कर रखे थे। लेकिन जब मुर्तजा को अपनी गिरफ्तारी का डर हुआ तो उसने मंदिर में फिदाइन हमले का प्लान किया। उसने सोचा था कि पकड़े जाने से बेहतर है कि किसी को मार कर मरो। गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण गेट से अंदर आते हुए दो सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने से पहले मुर्तजा ने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए थे, लेकिन परिवार के मुताबिक उसका बेटा दिमागी समस्याओं से जूझ रहा था, जिस पर गौर करने की दलील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी की। जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और BJP तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। अखिलेश की इस दलील पर यूपी सरकार से लेकर BJP ने हमलावर रुख अपना लिया है और उसके नेता अखिलेश पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं। मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश जी को यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब इतनी बड़ी हिमाकत किसी ने की है तो अखिलेश को कहना चाहिए जांच कराइए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराइए, अब बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप पक्ष धरे, आप नहीं भेजा क्या, मामला क्या है? उनके इस बात को लोग करें, उनकी मानसिक स्थिति पर मुझे तरस आता है कि इस तरीके की आतंकी घटनाओं में अगर कोई संलिप्तता किसी की आ रही है सामने तो उसके पक्ष में किसी तरीके से खड़े होते हुए नहीं दिखना चाहिए।
मुर्तजा ने अलकायदा के आतंकवादी इमाम अनवर अल हलाकी को अपना गुरु माना। मुर्तजा आईआईटी से पढ़कर तरक्की की राह पर बढ़ने की जगह अपने लैपटॉप पर अलकायदा के इस सबसे खतरनाक आतंकी के वीडियो देखा करता था। फिलहाल मुर्तजा अब्बासी पुलिस रिमांड पर है। एटीएस की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। संतोष शर्मा, आज तक। बेहद खतरनाक इरादे के साथ गोरखधाम मंदिर में हमले के लिए मुर्तजा आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में उसको लेकर भी सियासत छिड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जांच भी लगातार जारी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर खान, लीडर समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएसएस के आप जानकार भी हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जो पूछताछ कर रही हैं टीमें लगातार मुर्तजा से, नए नए खुलासे हर गुजरते दिन के साथ हो रहा है, लेकिन एक और जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, उसने कहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इस वजह से मैंने हमला किया है। उसके इस बयान पर क्या कहेंगे आप? देखिए चित्रा जी, पहले तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे लगता है हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश होगा जहां एक आतंकवादी पकड़ा जाता होगा तो उस आतंकवादी के पकड़े जाने पर, उस पर जांच होने पर डिबेट होता है कि पकड़ा जाना चाहिए या नहीं, वो आतंकवादी है या नहीं। और तीन तीन पैरोकार, आतंकवादी के तीन तीन वकील टीवी पर आते हैं वकालत करने के लिए कि आतंकवादी नहीं था, वो बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा होनार था, भटक गया था, विक्षिप्त था, इत्यादि इत्यादि। ये केवल हिंदुस्तान में होता है। और दूसरा, ये केवल हिंदुस्तान में ही होता है कि ये एक दलील बनती है कि आतंकवाद का भी एक्सक्यूज हो सकता है। मुसलमानों के ऊपर CAA लग गया, NRC होने वाला है, इसलिए कुछ लोग आतंकवादी बनना ये जायज है। ये डिबेट और ये डिस्कशन भी केवल हिंदुस्तान में होता है। मैं कहता हूं अगर CAA, जो कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था, किसी हिंदुस्तान के मुसलमान का, जो हमारे भाई हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनका किसी का नागरिकत्व तो गया नहीं, किसी के नागरिक के छीनने का कोई डर नहीं था, मगर फिर भी CAA को लेकर, और NRC तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी, सुप्रीम कोर्ट को लेकर अगर इस प्रकार से कोई आतंकवादी बन जाएगा तो मैं कहूंगा कश्मीरी पंडित, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को इसी देश में अपने घर से बेघर कर दिया गया। कितने कश्मीरी पंडित ने बंदूक उठाए, कितने कश्मीरी पंडित आतंकवादी बन गए, कितने कश्मीरी पंडितों ने मस्जिदों पे हमला कर दिया। मस्जिदों से कॉल दिया गया था कि अपनी महिलाओं को छोड़ करके तुम यहां से चले जाओ, या तो मर जाओ या तो फिर कन्वर्ट हो जाओ, मगर कितने कश्मीरी हिंदुओं ने, कितने हिंदुओं ने मस्जिदों के ऊपर हमला कर दिया? एक भी नहीं, ना कोई करेगा। और मैं आपको बता दूं चित्रा जी, आतंकवाद भी एक मानसिकता है और एक विक्षिप्त मानसिकता है, जिसको लगता है कि मैं अगर किसी को मार दूं, मैं अगर जिहाद करूं और उससे मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा और वहां 72 हूरें मिल जाएंगी, ये विक्षिप्तता है और कुछ नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, ये आतंकवाद के विक्षिप्त मानसिकता के लोग, उनको जिस प्रकार से, ठीक है, डिबेट इसलिए जरूरी है इस मुद्दे पर, सही इलाज तो पुलिस करेगी, आर्मी करेगी। गोरक्षनाथ मंदिर अपने आप में एक ऐसी जगह जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उस गोरखनाथ मंदिर पर अगर हमला करता है एक शख्स और उससे पूछताछ में बड़े खुलासे होते हैं तो यकीनन उसको लेकर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ओर से वुल्फ मैकेनिज्म को लेकर जो जानकारी दी गई है यकीनन वो हिंदुस्तान के लिए बेहद खतरनाक है। और इसी वजह से वारिस पठान साहब, मैं सीधे अब आपके पास आते हुए, चूंकि संबित पात्रा ने जो बातें कही है वो महत्वपूर्ण है अपने आप में, कि विक्षिप्तता तो है ना, ये एक व्यक्ति जो आईसिस के आतंकवादियों से इंस्पायर करता है खुद को, वो वीडियोस देखता है तमाम आतंकवादियों के, उसके बाद जाकर वो हमला करता है और उसके समर्थन में भी लोग आकर खड़े हो जाते हैं, क्या एक ऐसे व्यक्ति का किसी भी रूप में समर्थन किया जा सकता है? वारिस पठान जी, देखिए चित्रा जी, हम आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों का हमेशा से खंडन करते रहेंगे। हमने कभी आतंकवादी का समर्थन नहीं किया। हम वो पहले थे जिन्होंने ISIS के चीफ बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था। तो ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, इंक्वायरी कर रही है कि उसको अरेस्ट किया गया है, जो भी कानूनी होगा उसके खिलाफ करे। उसके पिताजी का एक बयान भी आया, उसके परिवार वालों का, कि उसकी मानसिक हालत सही नहीं थी, पर जो भी था
जिसने भी ये सब किया है उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, कोर्ट फैसला करेगी। मगर अभी संबित पात्रा जी ने एक चीज कहा कि इस पर डिबेट हो रहा है हमारे देश में। सही कहा संबित पात्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए था। डिबेट होना चाहिए था बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर, क्योंकि संबित पात्रा, मुझे यकीन है आज जब स्टूडियो में आए होंगे, जब अपनी ऑफिस में गए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी में तो नहीं गए थे, वो गए होंगे मोटर कार में गए होंगे बैठ के, उसमें पेट्रोल और डीजल डाला गया होगा, तो उनको पता चल रहा होगा कि क्या भाव चल रहा है पेट्रोल डीजल का। और किसके राज में ये हो रहा है? भाजपा के राज में हो रहा है। और कितने भाजपा की चालबाजी देखी है इसमें चित्रा जी, यूपी के चुनाव के पहले नहीं बढ़ा पेट्रोल का भाव, चुनाव बन जाएंगे, हर दिन तरक्की पे तरक्की तरक्की पे तरक्की बढ़ता जा रहा है, उस पर डिबेट होना, ये अच्छी बात। एक सेकेंड, अब आप लोग पत्रकारिता यहाँ पर मत सीखिए और दूसरों को भी मत सिखाइए। एक सेकेंड सर प्लीज, एक सेकेंड बारिश पठान जी, आप सुनिए मेरी बात। डिबेट होनी चाहिए, यहाँ पर डिबेट किस टॉपिक पर हो वो हमें डिसाइड करने दीजिए, वो जनता को डिसाइड करने दीजिए कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर वोट मैकेनिज्म को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, इस वजह से पूछा जाएगा आप लोगों से ये सवाल। और अगर वो ये कह रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो एक नैरेटिव भी तो सेट करने की कोशिश की गई है ना कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, अपने आप को पीड़ित दिखाओ। जी जी जी, दस सेकंड, मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, थोड़ा सा 10 सेकंड संयम रखिए प्लीज। अब हमने खंडन कर दिया, लेकिन वहीं पर क्या कभी मोदी जी ने खंडन किया जो नरसिंहानंद महापंचायत के अंदर खड़े होकर मुसलमानों की नरसंहार की बात करते हैं? कभी मोदी ने खंडन किया कि महापंचायत जैसे ऐसे जब लोग ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होता है वहां पर बनायन किया जाता है बच्चों को, कि आप बेटा कलम छोड़ दो, तलवार उठा लो, मुसलमानों का नरसंहार कत्ल कर दो, तब कोई खंडन करता है क्या? क्यों ये खंडन नहीं करते? हम तो खंडन करते हैं, तो कौन रेडिकलाइज करता है नरसिंहानंद को? कौन रेडिकलाइज कर रहा है चवन के जैसे लोगों को? कौन रेडिकलाइज कर रहा था कि इस तरह की जहां पर महापंचायत के अंदर नरसंहार की बात होती हो? तो ये हमारे देश को किस तरफ लेकर जा रहा है? कितना जहर फैला रही है भाजपा आरएसएस हमारे देश के अंदर? आज हर चीज में इन्होंने बंटवारा कर दिया, भगवा हमारा हरा तुम्हारा गाय हमारा बकरा तुम्हारा, तो कहां लेकर जा रहे हैं देश को? जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। समित पात्रा जी, देश का बंटवारा कर देंगे, वहां बैठकर बारिश पठान भी वही कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। देखिए चित्रा जी यहां बैठकर बारिश पठान जी भी वही कर रहे हैं जो अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक्सक्यूज, बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर गोरखनाथ मंदिर के ऊपर मुर्तजा ने हमला क्यों किया, आतंकवादी को बचाने के बहाने, क्योंकि यतीशारानंद ने कहीं एक हिंदू पंचायत कर दिया, हिंदुओं ने मिलकर कहा कि हम तो यहां कलम छोड़ देंगे, हम तलवार उठा लेंगे, मुसलमानों को मार देंगे, इसलिए लोग अब आतंकवादी बन रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, सैकड़ों ऐसे बयान में दिखा दूंगा जिसमें मौलाना और इमामों ने न जाने हिंदुओं, हिंदू देवी देवताओं, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माओं के लिए न जाने क्या क्या कहा हुआ है। और तो छोड़िए, आपके पार्टी के सदस्यों ने, आपके पार्टी के आला कमान ने कहा हुआ था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हम हिंदुओं का क्या अस्त्र करते हैं। आपने खुद बयान दिया हुआ था 15 करोड़ वर्सेस 25-80 करोड़, ये तो बयान आपने खुद दिया हुआ था। मगर मगर एक भी हिंदू, एक 100 की जगह, तो आप भी केस चलाइए ना, तो यतीशारानंद के खिलाफ। सुनिए 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 सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए, शाब्दिक आतंकवाद मत करिए चित्रा जी, मैं कंप्लीट कर लूं चित्रा जी, उसके बाद ये बोल लेंगे। इस प्रकार से हर तरफ से तो इस तरह के बयान सामने आते हैं ना, और उसको जायज कैसे ठहराया जा सकता है? वो 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ वाली बातें भी तो आप ही लोगों की ओर से कही जाती हैं। हैदराबाद से आई थी इस तरह की आवाज, उस पर मैं आऊंगी बारिश पठान साहब, लेकिन एक शख्स जो हमला करता है, सर सुनिए ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है और इस पर डिबेट क्यों की जा रही है, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर जहां के महंत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उस मंदिर पर अटैक होता है, मुख्यमंत्री क्या निशाने पर है, इस बात को लेकर डिबेट यहां पर हो रही है। और इस मुद्दे की गंभीरता को आप लोग समझें कि एक शख्स की ओर से जो जानकारी दी गई है उस जानकारी का असर किस कदर हो सकता है। समित पात्रा जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। समित पात्रा जी, और प्लीज एक एक करके बोलेंगे। बारिश पठान, अपनी बारी का इंतजार करें आप। देखिए हम भी टेलीविजन के माध्यम से मुर्तजा नामक आतंकवादी ने जिस प्रकार से अपना खुलासा किया है कि वो चाहता था कि वो खुद मर जाए इस पूरे अटैक में, वो हमला करे और कुछ लोगों को मारे,
मैं तो अभी न्यूज़पेपर में यह भी पढ़ रहा था और टेलीविजन में देख रहा था कि वो कोशिश कर रहा था कि पीएससी के जवानों को हमला करे, उनसे बंदूक ले के मंदिर के अंदर घुसे और वहां पर खून की नदी बह जाए। आप सोचिए, इस प्रकार का एक सिनिस्टर प्लॉट, इस प्रकार का एक षड्यंत्र, आतंकी षड्यंत्र था और उसे बचाने के लिए भी लोग यहां आए हुए हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं किसकी रक्षा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का तो एक बहुत लंबा फहरिस्त है। बनारस में जिन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने केस वापस लिया था आतंकवादियों के खिलाफ। ये तो शुक्र हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था अखिलेश यादव को कि आप कौन है यह निर्धारित करने वाले कि कौन आतंकी है और कौन आतंकी नहीं है। आज एक आतंकवादी को आप जेल से निकालना चाहते हैं, कल उसे पद्म भूषण देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा था, खंडपीठ ने कहा था कि आज आतंकवादी को जेल से रिहा करने की कोशिश हो रही है, कल आप लोग तुष्टिकरण के कारण उसे आप पद्म भूषण देंगे। ये आज स्थिति हिंदुस्तान में होता जा रहा है तुष्टिकरण के कारण। ये और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के आतंकवादियों का महिमा मंडन, बाटला हाउस एनकाउंटर से लेके अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट में 38 लोगों की जान गई थी, 38 लोगों की जान गई थी। और आप जानते हैं उस आतंकवादी का रिश्ता किसके साथ था? उस आतंकवादी का रिश्ता समाजवादी पार्टी से था। ठीक है वारिश पठान साहब, वो सपा और कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो जरा उन नेताओं से भी जवाब में ले लेती हूँ। जल्दी से एक लाइन में अपनी बात पूरी कर लें, क्या बोलना चाहते हैं? जरा याद दिला दू। अभी कालीचरण छूट के आया है बेल पे, उसको हीरो बना दिया। वो कालीचरण जिसने हमारे महात्मा गांधी के बारे में कांग्रेस वाले भी आए हैं, उनको नेशनल कोर्ट से ग्लोरीफाई किया था, उसको आपने हीरो बना दिया। आप ही आतंकवादी का समर्थन करते हो, इस तरह के लोग हमारे देश का नष्ट कर रहे हैं। संबित पात्रा, जरा कभी खंडन भी किया करो ऐसी चीज का भी। मुजफ्फर खान साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड करिए ना, एक सेकंड बारिश पठान जी, जो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी था, मुजफ्फर खान साहब, एक सेकंड बारिश पठान जी, तलवार निकाल के घूम रहा है कालीचरण, तलवार निकाल के घूम रहा है कालीचरण, उसका क्या बोलेंगे आप? खंडन नहीं करेंगे उसका? उसका केस होगा नहीं होगा? अब जरा बाकी लोगों की भी बात हो जाए, गोरखपुर पे ही रहते हैं, फिर मैं लौटूंगी। मुजफ्फर खान साहब, सीधे आपके पास आते हुए, इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है किसी ऐसे शख्स को सर्टिफिकेट देने में जो पुलिस वालों पर जाकर हमला करता है? वहां पर जान चली जा सकती थी किसी की भी, अगर पुलिस वालों ने दिलेरी नहीं दिखाई होती, रक्षा नहीं किया होता तो वहां पर स्थिति बिगड़ सकती थी। इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है आपके मुखिया को यह बताने के लिए कि वो मानसिक विक्षिप्त है, इस वजह से भी उसका ध्यान रखा जाना जरूरी है? ये कौन सी विक्षिप्तता है जो महंगे महंगे लैपटॉप लेकर आईसिस के आतंकवादियों की वीडियोस देखता है? ये कौन सी विक्षिप्तता है जो आतंकवादी बनने के लिए कैनेडा के रास्ते वो सीरिया जाना चाहता है और हम उसका समर्थन करते हैं? चित्रा जी, आपने अगर सवाल पूरा कर लिया हो तो मैं बताऊं। देखिए, ये बात मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कही है कि अगर कोई मानसिक रोगी है और उसके पिता से बात करने में ये पता लगा, तमाम देश के लोगों के सामने उसके पिता ने बताया कि लंबे समय से वो दिमागी तौर पे बीमार है, तो चित्रा जी, अगर कोई दिमागी तौर पे बीमार है उसका इलाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये समाजवादी पार्टी का पक्ष है कि एक वो व्यक्ति जो सीए का आंदोलन चल रहा था, एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग में लोग बैठे हुए थे और वहां आकर के सीधा सीधा पब्लिक के ऊपर फायर कर दे, उसको दिल्ली पुलिस लेके जाती है, वो आतंकवादी नहीं था, उसको केवल 8 दिन में जमानत मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आपको न्याय व्यवस्था को देखना पड़ेगा, पुलिस जो है वो संविधान को किस तरफ लेके जा रही है, आपको ये समझना पड़ेगा। अरे सरकारें अपने हिसाब से पुलिस को चला रही है, सामने आया है, अब तो कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है ना, कुछ छिपाने की जरूरत है क्या? वीडियो देखकर भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? वहां पर पुलिस वालों को किस तरह से जख्मी किया गया, आपने उसका बयान सुना है? आप जिस शख्स का समर्थन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और पिता को भी तलब किया है, यहाँ पर एटीएस ने मुर्तजा के पिता को नोटिस भेजकर बुलाया है, पिता की ओर से कहा गया था ना कि मानसिक रूप से बीमार है, पिता की ओर से कहा गया कि मेरे साथ ही रोज रात में सोता है, क्या आपने बच्चे पर नजर नहीं रखी गई कि वो कैसे आतंकवादियों की वीडियो सुनता है? क्या एक पिता की ये जिम्मेदारी नहीं है? कौन सा पिता बोलेगा कि उसका बेटा आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसके समर्थन में आ जाते हैं आप लोग? अरे आप पिता तो बोलेगा ना कि बेटा मेरा वही उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है। चित्रा जी, आप सुनेंगी नहीं क्योंकि सही बात को आप लोग पब्लिक तक नहीं जाने देते हैं। अगर एक व्यक्ति सरेआम हमला करता है
और उसके समर्थन में आप यहाँ पर बैठेंगे तो फिर आपसे सवाल कलेक्टर पूछा जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी पे किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे आपको मालूम है? चले गए अभी, अब वर्तमान में रहिए ना। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वर्तमान में रहिए, ये लोग कानून व्यवस्था की बात करेंगे। कम से कम इतनी गंभीरता तो दिखानी चाहिए। एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, कम से कम इतनी तो आपको गंभीरता दिखानी चाहिए। लौटूंगी आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपके पास लौटूंगी। मुर्तजा के पिता को एटीएस ने तलब किया है, एटीएस पूरे मामले की जांच कर रहा है, पूछताछ के लिए मुर्तजा के पिता को बुलाया गया है। मुर्तजा के पिता ने आपको बता दें, इस हमले के बाद जो जानकारी मीडिया को दी थी कि उनका बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उनकी ओर से कहा गया था कि उसका इलाज चल रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो अपने बेटे के साथ ही सोते हैं, वो अपने बेटे का ख्याल रखते हैं और वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नहीं हो सकता। लेकिन पिता ने जितने दावे किए थे वो सारे दावे झूठे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इस शख्स की ओर से कबूल किया गया है कि हाँ वो परेशान था, मुसलमानों को लेकर भी उसने बयान दिया है कि मुसलमानों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है और इस वजह से वो मानसिक रूप से काफी ज्यादा डिप्रेशन में था, इस तरह की तमाम बातें। लेकिन आप देखिए, ये शख्स जो गोरखपुर हमले का आरोपी है, एक बड़े हमले की फिराक में गया था नेपाल, वहां से उसको हथियार मुहैया होने थे। एटीएस की ओर से जो जानकारी दी गई, जिस शख्स से मुलाकात के लिए वो गया था उसे मुलाकात नहीं हो पाई, वो नहीं ले पाया और इसी वजह से इस खंजर के साथ वो पहुंचता है गोरखपुर और फिर वहां पर पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। ये मरने के लिए ही वहां पर पहुंचा हुआ था कबूलनामे में, ये बातें भी सामने रखी गई। लेकिन उसके पहले दो और मेहमान है, जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया लेते हुए एक बार फिर से इस शख्स की बातें आप तक सुनाएंगे। लेकिन अभय दुबे जी, समित पात्रा जी की ओर से सवाल पूछा गया है कि दरअसल आप लोग हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कैसे आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले शख्स को बचाने की कोशिश की जाए और तमाम इतिहास के पन्ने को पलटते हुए भी वो नजर आए, क्या होगा इस पर जवाब? अभय दुबे जी आपका। सरकार का कि वो आतंकवादी गतिविधि में शामिल हर व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दे। मेरा गंभीर आरोप है कि मुर्तजा ने क्यों गोरखनाथ मंदिर को ही चुना? अगर मॉडल ऑपरेंडी आप देखेंगी तो 24 सितंबर 2002 हो, अक्षरधाम पर आतंकियों ने हमला किया, फिर रघुनाथ मंदिर पर 2002 में आतंकवादियों ने हमला किया, फिर 2000 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया, 2017 में फिर अमरनाथ यात्रियों पर। तो आखिर उद्देश्य क्या होता है आतंकवादियों का? उद्देश्य ये होता है कि किसी तरीके से भारत वर्ष की जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको भी बिगाड़ा जा सके। तो सभी राजनीतिक दल आतंकवादियों की मंशा के खिलाफ दृढ़ता से एक है, बिल्कुल कठोरता से एक है। और ये कहना कि उनके पिता का कहना है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, प्रथम दृष्टया आतंकवाद को प्रश्रय देने जैसा माना जाएगा, क्योंकि जब तक उसकी तफसील से एटीएस जांच नहीं कर ले तब तक ये कहना बिल्कुल उचित नहीं मानता हूं। दूसरी बात, समित पात्रा ने ठीक कही कि सीएए का मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि इसका शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से लेना देना है। ये जवाब 2022 में केंद्र की सरकार ने दिया है। पूरा देश गंभीरता से सुने सीएए और एनआरसी पर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1/1/2020 को सीएए नोटिफाई हो गया, में अप्लाई फॉर सिटीजनशिप आफ्टर रूल्स आर नोटिफाइड अंडर सीएए। देश के लोगों, आज तक 2 साल बाद भी इन्होंने रूल्स नहीं बनाए हैं। 88 देशों के 10,645 लोगों ने नागरिकता के लिए अप्लाई किया है, मोदी सरकार ने नागरिकता नहीं दिए। और एनआरसी के लिए कहते हैं टिल नाउ गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन टू प्रिपेयर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एट नेशनल लेवल। बंगाल के चुनाव से लेकर असम तक ये गाने गा रहे थे, पूरे देश का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप हम तय करेंगे, मुसलमानों को बाहर कर देंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये कह रहे हैं आज तक नागरिकता नहीं दी गई 2020 के बाद, वो क्योंकि रूल्स फ्रेम नहीं किए। तो ये बांटते हैं सिर्फ चुनाव में लाभ लेने के लिए, इनका कोई सरोकार नहीं है ना। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, और आप भी कह रहे थे अभी वारिस पठान साहब की, संबित पात्रा जी ने, अरे इनको पेट्रोल वेट्रोल भराना नहीं पड़ता वारिस पठान साहब, ये सरकार भराती है। इसलिए तो जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि पेट्रोल डीजल के भाव क्या हो, खाने के तेल 200 रुपए पार हो जाए, किस प्रकार गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए पार हो जाए, इनको उससे सरोकार ही नहीं है। इनके तो बस
दो धरना सेठों को पूजना है, 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए की संपदा अर्जित कर दी और हिंदुस्तान के चौरासी जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं एक बार फिर से उस पर आ जाते हैं। आपने सीएनआरसी को लेकर सवाल पूछे हैं, संदीप जी जवाब दीजिए, संगीत रागी जी उसके बाद में फॉरन आपके पास। कौन भरता है देखिए, अगर यही मुर्तजा नहीं होके कोई हिंदू लड़का होता ना, अभी इनको पेट्रोल याद नहीं आता। अभी हिंदुत्व का जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ खाका खींच देना होता है, अभी हिंदुत्व के खिलाफ जिस प्रकार ये जहर उगलते देखने लायक होता है। मुर्तजा पकड़ा गया है तो आज मुर्तजा के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, इन्हें पेट्रोल डीजल उस पर चर्चा चाहिए, क्योंकि मुर्तजा है ना, इनके कजिन ब्रदर पकड़े गए हैं, ये बोल नहीं सकते हैं उसके ऊपर, इनके वोट बैंक के ऊपर प्रहार हो जाएगा। नंबर दो, मुर्तजा ने सीएए और एनआरसी के ऊपर बताया, तो आप यहाँ देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ चित्रा जी, मैं इस बात पे आपत्ति करता हूँ, अगली बार से मैं भी सबके बीच में बोलूंगा, मैं भी अगली बार से सबके बीच में बोलूंगा चित्रा जी, अगर ऐसा ही डिबेट होना है तो ये उचित नहीं है, मैं सबके सबको सुनूंगा ध्यान से, और ये सारे नालायक लोग आके बीच में चिल्लाएंगे प्लीज, ठीक है, ये आतंकवादियों के लॉयर से बोलिए, ये बीच में नहीं चिल्लाना होता है, बताइए, मैं यहाँ देश का लॉयर बन के खड़ा हूँ, यहाँ आतंकवादियों के लॉयर बीच में चिल्लाते रहते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करिए जज साहिबा आप, नहीं नहीं जज साहिबा मैं तो आपसे ही कहूंगा कि ये जो आतंकवादियों के लॉयर है इनको बोलिए ऐसे चिल्लाना बंद करें, ठीक है, ऐसे व्यक्तिगत जज साहिबा आई अपील जज साहिबा, जब आप बोल रहे थे वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उनको सुन लीजिए फिर मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, आज हम एक आतंकी हमले पर डिस्कस कर रहे हैं और यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता आके कह रहे हैं सीए एनआरसी हानिकारक, सीए वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं जो आतंकवादी कह रहा है, आज हम सीए और एनआरसी को डिस्कस करेंगे, फिर ये बीच में शुरू हो गए, फिर बीच में शुरू हो गए ने चित्रा जी, मैं इस बात पे बिल्कुल घोर आपत्ति करता हूँ, ये सबके बीच दो सीट इनको उत्तर प्रदेश में मिलती है, नहीं इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, इतने अहंकारी हैं ये लोग, इनकी आवाज को कम करिए, नहीं अहंकारियों की आवाज को कम करिए दुबे जी प्लीज, एक कितने हिंदुओं को नागरिकता दे दी बताओ ना, मैं तो पूछ रहा हूँ आपको, आप इनको बैठ जाओ मेरे भैया, ना हिंदू ना मुसलमान सरियों में डूबोगे, आप बैठो ठीक है, एक बार आप जवाब सुन लीजिए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, इनकी आवाज कम कर दीजिए प्लीज, ये इनकी आवाज, अब वो नहीं बोलेंगे, आवाज कम करने की जरूरत नहीं, अभय दुबे जी मत बोलिए प्लीज, लौटूंगी मैं आपके पास, समित पात्रा जी के बाद फौरन लौट रही हूँ आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए पहले, समित पात्रा जी संगीत रागी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अपनी बात जल्दी बढ़ाएं आगे। चित्रा जी कांग्रेस पार्टी को क्या जवाब दें, बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो उस समय कह रहे थे नहीं आतंकवादी नहीं है, ये तो भले भले लोगों को मार दिया गया है, और याद करिए जब अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है के नारे लग रहे थे तो इनके अध्यक्ष उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी जाके वो नारा लगा रहे थे जेएनयू के अंदर, और आज ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं, नहीं ये हिंदू ना ये मुसलमान ये बीच सरयू में डूबेंगे, ये अरे बैठ जाओ मेरा भैया, 5 सीट तो आती नहीं है किसी राज्य में, आपकी काहे को इतना चिल्ला के गला खराब कहते करते हो, अरे इनको इनको पहले शांत करो चित्रा जी, इनको शांत करो, 2-3 सीट आती नहीं है किसी राज्य में, इनके अध्यक्ष तो इनसे बनता है नहीं, कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी जैकेट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, कभी जाके टीका लगा लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, ये तो बीच नदी में डूबने वाले हैं, इनको छोड़ो ना चित्रा जी, इनको हटाओ चित्रा जी, अरे आप जाओ मेरे भाई, मैं लौट रही हूँ आपके पास, थोड़ा सा उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज, थोड़ा व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे, हम मेन मुद्दे पर रहें। देखिए गोरखपुर गोरखनाथ धाम से जुड़ा हुआ ये मामला है, वो एक बड़ा मंदिर है, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहां पर जाकर एक शख्स इस तरह से हमले को अंजाम देता है जो वुल्फ मैकेनिज्म का हिस्सा है, आतंकवादी संगठन के तहत एक व्यक्ति खुद को कैसे तैयार करता है उस पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, फिर थोड़ी सी गंभीरता दिखाइए प्लीज, समित जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं, संगीत रागी जी इसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए चित्रा जी ये जनता बहुत बुद्धिमान है, सब समझती है, मगर मुझे दुख किस बात का लगता है पता है चित्रा जी मुझे दुख इस बात का लगता है, खुदा न खास्ता कभी ऐसा ना हो हिंदुस्तान में किसी मस्जिद पे कोई हिंदू आक्रमण कर दे, अगर गलती से भी ऐसा कभी हो गया होता तो ये सारे अभय दुबे से लेके वारिस पठान ये पूरे विश्व में हाहाकार मचा देते, मगर आज इतने बड़े मंदिर इतने बड़े मठ के ऊपर हमला हो गया है, मुर्तजा ने हमला किया है और नाम है इनका अभय दुबे, और देखिए ये किसके वकील बन के आए हैं,
इसीलिए हिंदू इतने वर्षों तक गुलाम रहा है चित्रा जी, ये सोचनीय विषय है, ये सोचनीय विषय है। आप जैसे अभय दुबे, आप जैसे लोगों के कारण, आप जैसे जयचंदों के कारण हिंदुस्तान गुलाम रहा है, जो अपने धर्म को, जो अपने देश को आप बेचते हैं, बेचने का काम करते हैं, आप जैसे लोगों के कारण, याद रखिए, ये एंटोनियो माइनो के कदमों पे देश को बेचा है आप जैसे लोगों ने। ये क्या जाने, ये क्या जाने, ये सोनिया सेना लश्कर सोनिया वाले क्या जाने, ये लश्कर सोनिया वाले, ये लश्कर सोनिया के लोग, ये लश्कर सोनिया के लोग, ये क्या जाने, ये तो आतंकवादियों का समर्थन ही करेंगे, ये तो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण ही करेंगे, ये लश्कर सोनिया के प्रवक्ता को चुप रहना सीखना होगा, लश्कर सोनिया, ये कांग्रेस पार्टी का आज से मैं नामांकन लश्कर सोनिया करूंगा के प्रवक्ता यहाँ आके आतंकवादियों के पक्ष में इतनी जोर जोर से चिल्ला करके हमें बोलने नहीं देते, शर्म नहीं आती। मैं तो पूरे देश से अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का नाम आज से लश्कर सोनिया रखा जाए और ट्विटर में भी हैशटैग लगाकर लश्कर सोनिया के नाम से ट्रेंड किया जाए, लश्कर सोनिया, ये लश्कर सोनिया के प्रवक्ता आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज नहीं बुलंद कर सकते हैं, ये केवल हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जयचंद कहीं के नाम अभय दुबे और वही बोल रहे हैं जो आतंकवादी बोल रहा है, नाम अभय दुबे और यहाँ मुर्तजा के साथ खड़े होकर के मुर्तजा के वकील बने हुए हैं, नाम अभय दुबे और यहाँ पर आकर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, शर्म आनी चाहिए। पाटना हाउस से लेकर आज मुर्तजा तक आपने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया है और इसीलिए आप लोगों का नाम लश्कर सोनिया गैंग होना चाहिए। ये लश्कर सोनिया गैंग के जो प्रवक्ता है चुप भी नहीं हुए, सिर्फ हिंदुओं को सत्ता की सीढ़ी आपने बना लिया। एक नाम बता दीजिए, बैठो अबे भाई, पांच सीट आई नहीं है, इतना जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। शब्द तक हटा दिया उस कानून में से, आपने रिलीजियस की परसिक्यूटेड शब्द तक हटा दिया, आपने एक हिंदू को नागरिकता नहीं दी, पूरी फैमिली नहीं होगा। अब संजीत त्यागी जी सीधे से आपके पास आते हुए, जरा इस तूतू मैमे से आगे बढ़ते हुए, ये जो मुर्तजा का कबूलनामा है वो अपने आप में बेहद गंभीर, आतंकी संगठनों से इतर लोग कैसे तैयार होते हैं और वो अटैक करते हैं, वो वुल्फ मैकेनिज्म का हिस्सा है और इस पर जांच एजेंसियों की नजर भी नहीं पड़ती इस तरह के लोगों पर, और यकीनन इसी वजह से वो हमला करने में पूरी तरह से कामयाब होता है। जो शख्स लगातार वीडियोस देख रहा हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हो, उसके बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं मिलती है, अगर उस पर भी इस देश में पॉलिटिक्स होगी तो यकीनन ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संगीत रागी, देखिए चित्रा जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, आपने सही कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता खुलेआम आकर के कह रहा है, उनकी तुलना जो है वो दिल्ली के समय एक व्यक्ति ने जो पिस्तौल से गोली छोड़ी थी उससे तुलना कर रहे हैं। देखिए, विक्टिमहुड आतंकवादी विचारधारा का हिस्सा है और उसमें तीन बातें आती हैं, या तो है, पहली बात कही जाती है इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम के मानने वाले को परेशान किया जा रहा है, अथवा इस्लाम के अनुसार शासन नहीं माना किया जा रहा है, और ये तीन ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण जो आपको एक आतंकवाद की तरफ आपको लेकर के जाता है उन्हीं चीज़ों को भरपाई करने के लिए। और आप दुनिया के जहाँ भी आप इस्लामिक टेररिज्म आप देखेंगे उसी में, उसमें तीनों में से कोई एक न एक तर्क जो है वो फिट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान ले लें, सीरिया ले लें, अन्य जगहों पर ले लें, ये आपको तीनों में से कोई एक जरूर मिलेगा। दूसरी बात जो उससे निकल रहा है कि रेडिकलाइजेशन क्या मुस्लिम समाज में हो रहा है या हिंदू समाज में नहीं हो रहा है, आप अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। एक समाज है जो आपके एक आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ प्रतिक्रिया कर रही है, आप 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 कल लेकर के हिंदुओं की महापंचायत को लेकर के आप बात करते हैं, तो ये उसकी तुलना एक वाजिब तुलना नहीं है, वह एक प्रतिक्रिया है जो हिंदू समाज का एक छोटा सा हिस्सा कर रहा है। लेकिन जब आप दुनिया के सारे मदरसों में कुरान और हदीस जरूर पढ़ाए जाते हैं और इन्हीं कुरान और हदीस की व्याख्या से ये आतंकवादी निकलते हैं, सारे ऐसे पढ़ाए जाते हों ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन इस्लाम की एक बहावी, तबलीगी और देवबंद ऐसी विचारधाराएं हैं, तीन जो सेक्स हैं, ये तीनों जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाते हैं,
उनके लिए बाकी धन अन्य संप्रदाय काफिर हैं और काफिरों की हत्या भी जायज है, और इस्लाम का शासन स्थापित करना इस्लाम का सर्वश्रेष्ठ है, और उसके लिए अपने आप को उत्सर्ग कर देना, बलिदान कर देना, और बलिदान के दीन के लिए बलिदान करना ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग और नरक इस आधार पर नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, इस आधार पर है कि आपने दीन के लिए अपने जीवन दे दिया या नहीं दे दिया। तो ये जो मानसिकता है पढ़े लिखे लोगों के बीच में, जो मानसिकता है यह बहुत खतरनाक है। ये जो विचार है वारिस पठान साहब, जो बातें यहाँ पर संगीत रागी जी की ओर से कही गई है वो महत्वपूर्ण है, और इसके पहले संबित पात्रा जी की ओर से भी कहा गया है कि नाम मुर्तजा है, इस वजह से आप लोगों की ओर से बचाने की कोशिश की जाएगी। चित्रा जी मैं 10 सेकंड और लूंगा। हाँ बोलिए संगीत रागी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। चित्रा जी देखिए जो अभी 10 सेकंड वो बोल रहे हैं, उसके बाद आ रही हूँ पठान साहब। 10 सेकंड, ये माहौल किसने बनाया है? इस माहौल के पीछे सबसे बड़ा कारण है यह जो गंदी धर्म निरपेक्षता की राजनीति, जिसे छद्म धर्म निरपेक्षता कहते हैं। कांग्रेस ने कभी भी सेकुलर, समझदार और उदारवाद इस्लाम को इस देश में पनपने नहीं दिया। रेडिकल ताकत, ये जो वारिस पठान है इनकी पार्टी को कौन ठेकेदारी ले आता है? ये कांग्रेस पार्टी जितने रेडिकल तत्वों को इस देश में विभाजन के पश्चात भी पालने पोषने का काम किसने किया है? मुस्लिम लीग तक को भी कांग्रेस पार्टी। हो गया 10 सेकंड आपकी, हो गया 10 सेकंड की जगह ज्यादा टाइम लिया। इसने आपने ऐसा माहौल बनाया है जैसे मुसलमानों के खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें गलत है। वारिस पठान साहब, एक सेकंड, आराम से। वारिस पठान साहब, ये बात तो सच है ना, माहौल बनाकर युवाओं को भड़काने का काम भी तो एक बड़े तबके की ओर से किया जा रहा है ना। मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ काम किया जा रहा है। इस शख्स की बातें भी अगर हम सुनेंगे, IIT बड़ी जगहों से इसने पढ़ाई की है, इंजीनियर था, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, और उसकी इस तरह की इतनी खतरनाक सोच किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और संबित पात्रा जी की ओर से कहा जा रहा है कि चूंकि नाम में मुर्तजा लगा हुआ है, इस वजह से आप लोगों की ओर से इस शख्स को भी बचाने की कोशिश की जाएगी। देखिए चित्रा जी, अभी मैं सुन रहा था संगीत रागी को, इन्होंने 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। जहर उगलने के सिवा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इन्होंने ना खंडन किया आतंकवादी गतिविधियों का, ना इन्होंने खंडन किया नरसिंह आनंद जिसने कॉल फॉर जेनोसाइड किया था उसके बारे में तो ये तारीफ कर रहे, ना इन्होंने कालीचरण के बारे में खंडन किया कि वो तलवार लेके घूम रहा है और लथुरा मोर्चे की तारीफ कर रहा है, जेल से बाहर आया तो हीरो बन के घूम रहा है, कोई खंडन नहीं किया इन्होंने। ये दिखा रहा है कि इनका माइंड किसने रेडिकलाइज किया है। ये भी अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं तो ये किसने रेडिकलाइज किया इनको? मैं पूछना चाहूंगा किसने रेडिकलाइज किया उनको, जो मेरठ के रस्ते में घूम रहे हैं और बोलते जा रहे हैं कि मटन की दुकान बंद करो वरना जाओ पाकिस्तान। किसने रेडिकलाइज? खामोश, जरा 2 मिनट बोलने का मौका हमको भी दो। आप प्रोफेसर है, मैं भी लॉयर हूं, मुझे आता है बात करना अच्छी से, आपसे अच्छा बोल सकता हूं। खामोशी के साथ सुनिए, उनको रेडिकलाइज किसने किया है? जो निकालते हैं जुलूस करौली के अंदर, मस्जिद के बाहर जाते हैं, वहां पे गाना गाते हैं कि टोपी पहनने वाले भी एक दिन जय श्री राम का गाना गाएंगे, स्लोगन लगाएंगे। किसने रेडिकलाइज किया? नरसिंह राम को किसने रेडिकलाइज किया? चवनके को किसने रेडिकलाइज किया? अरे आपने, RSS ने, बीजेपी ने मिलकर तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, जिसने हमारे मुंबई के बहादुर पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे जो आतंकवादी के साथ लड़ता हुआ शहीद हुआ था, आतंकवादी के साथ लड़ते हुए शहीद हुआ था, उसको कहा था कि मैंने उसको पदवा दी थी, शराब दी थी, उसको ग्लोरीफाई किया था, उसके आप समर्थन हो? आप देखिए, फिर बीच में बोलने नहीं दूंगा मैं, भी सिद्धि आती है। मेरी बात सुन लीजिए, चित्रा जी ने मुझे मौका दिया बोलने का, आपने जो जहर फैलाना था जहर फैला दिया, आपने जो बकवास करना था कर दिया था। आराम से वारिस पठान जी, अब मेरे संगीत रागी सही बात नहीं है, आप प्रोफेसर हो ऐसा मुझे लगता है, आप बता दो प्रोफेसर हो, लेकिन मैं किसी भी एंगल से आपको प्रोफेसर नहीं समझता। आप सिर्फ एक हेट मॉन्गर हो, आप नफरत बाज और नफरत फैलाने के मास्टर और कुछ नहीं हो। आपकी जगह टीवी के स्टूडियो में या स्काइपी पे नहीं होना चाहिए, आप जैसों की जगह तिहाड़ जेल में होना चाहिए, मैं मानता हूं। आपने जो नफरत फैलाई आपको माफी मांगना चाहिए। आपने खंडन किया नरसिंह राव, आप कहा कि भारत एक छोटे से समुदाय ने ऐसा बोल दिया, अरे तलवार उठाओ मुसलमानों का नरसंहार कर दो, आपकी आपके लिए सही था ये?
आपने क्यों खंडन नहीं किया उन लोगों का जो जाकर दिन दहाड़े मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर देते हैं सिर्फ एक शक के ऊपर कि गाय की तस्करी कर रहा था, गाय का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, उस पर मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तब तो आप खामोश बैठते हो, आपके मुंह से जुबान में दही नहीं जमता। आपको मोदी से डर लगता है, आपको आरएसएस से डर लगता है, आपका डर निकालने के लिए आप सिर्फ शाम को टीवी पर आकर मुसलमानों के खिलाफ जहर पे जहर उगलते हो, लेकिन देश की जनता समझदार है, वो समझ गई कि ये प्रोफेसर नहीं, ये जहर फैलाने वाली एक नागिन है, इसका नाम संगीत तागी है, समझ गए। आप माफी मांगो, बोलो नरसिंह रंग ने जो किया गलत किया, बोलो कालीचरण ने जो गाध्वी जी के बारे में कहा था गलत था, बोलिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो कहा था कर करके बारे में गलत था, बोलिए माफी मांगी है ना, ठीक है अभी तो बोलने दीजिए, आप चुप होंगे तब तक वो बोलेंगे। पठान जी ओके, अरे चलो वो आतंकवादी है, थोड़े से शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए हमें, किसी को ऐसे अनियत नागिन कहना, ये कौन सी भाषा होती है वारिस पठान, ये कौन सी भाषा होती है, डिबेट में बैठे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, किस तरह की भाषा की बदजुबानी आप लोग करते हैं, प्लीज सर एक सेकंड सुनिए आराम से अपनी बात, नहीं तो इनकी भाषा ये नागिन कौन सी भाषा होती है, ये नागिन किसी भी गेस्ट के लिए नागिन कौन सी भाषा होती है, आराम से और जरा मुर्तजा के बारे में बताइए ना, वो कौन है, मुर्तजा को लेकर भी बोलिए ना दो लाइन, मैं आ रही हूँ अभय दुबे जी, मुर्तजा के बारे में बोलिए ना दो लाइन, मुर्तजा के बारे में भी बोलिए ना, ओम जी अरे मैं एक सेकंड बारिश पठान जी, एक सेकंड बारिश पठान जी, मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते ये संगीत रागी जैसे लोग, इनके पास तथ्य नहीं है, इनके पास तथ्य नहीं है, सिर्फ इनको एक चलो ठीक है आप जवाब सुन लीजिए, संगीत रागी जी संगीत रागी जी ठीक है ओके ठीक है, क्या बोला गया, समझ जी मैं आ रही हूँ एक बार संगीत रागी के ऊपर सवाल पूछा है, ठीक है ओके बारिश पठान जी हो गए आपकी बात, संगीत रागी जी जल्दी से, मैं उन्होंने सही कहा, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एक गणेश जी के विसर्जन में चले जाते हैं, उसके बाद जो है वो माफी मांगना शुरू कर देते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उनको बोलने तो दीजिए बारिश पठान जी, आपने इतना लंबा चौड़ा बोला, प्लीज अब उनको बोलने दीजिए, वक्त हमारे पास कम है, सभी के कमेंट लेने हैं कि सर के प्लीज आराम से, बारिश पठान जी आपकी बात हो गई, उनकी बात आप सुनिए, आप उनसे जवाब मांग रहे थे, उनकी बात सुनने का भी ध्यान दिखाइए, इनको क्या लगता है यही बीच में बोल सकते हैं, इनको ठीक है टेररिज्म का पैटर्न देखने के लिए मैं आपसे कहा हूँ, और जब आप अकेले अंधेरे में बैठेंगे तो आपको पता लगेगा आप ही के समाज इसके लिए उत्तरदायी है, आप ही की चारधारा इसके लिए उत्तरदायी है, यही टीचिंग ही उत्तरदायी है, कोई अलग से आकर के नहीं किया, कोई हिंदू समाज ने आकर के नहीं किया, नहीं किया है, आपकी विचारधारा को देश पैदा कर दिया है, आप स्वयं पैदा कर रहे हैं इसको, और कोई दूसरा नहीं पैदा कर रहा है, लोगों की वजह से देश के अंदर हिंदू मुसलमान झगड़ा कर रहा है, आपकी वजह से भैया इसको बेवकूफ रोज रोज बनाते रहते हैं आप, और इसको प्रोफेसर बनाते रहते हैं, ठीक है हो गया, दोनों की बात समझ पात्रा जी, ठीक है अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, बाकी लोगों को भी रिएक्शन, अभय दुबे जी मैं फॉरन लौट रही हूँ, आपकी बात समित पात्रा जी की बात एक बार जल्दी से हो जाए, उसके बाद अभय दुबे जी मैं आऊंगी आपकी बात, समित पात्रा जी ठीक है, वारिस पठान जी हो गई आपकी बात, समित पात्रा जी वो कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ अगर बयानबाजी होती है तो उस पर बीजेपी आरएसएस के लोग चुप्पी साध लेते हैं, बारिश पठान जी ठीक बोल रहे हैं, मैं समर्थन करता हूं, ये कालीचरण ही वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो उसी के कारण हुआ है, ये सीरिया में भी जो हुआ है ना आतंकवाद सीरिया से जो पनपा है वो भी कालीचरण जी के कारण हुआ है, नहीं अगर कालीचरण होते तो सीरिया में भी आतंकवाद नहीं होता, ये कालीचरण ही थे जिनके कारण 9/11 हुआ है अमेरिका में, ये अमेरिका में जो पढ़े लिखे अत्यंत पढ़े लिखे नौजवानों ने पायलट के रूप में आकर के जिस प्रकार से बमों से लैस अपने आप को उड़ा दिया के विमान के अंदर, ये सब कालीचरण जी ने कराया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये जो पूरे विश्व में अल्लाहू अकबर बोल के फट जाते हैं लोग सुइसाइड बॉम्बर बोल के, ये सब की पढ़ाई भी कालीचरण जी ने और यतीश्वरानंद जी ने दिया है, अगर ये यतीश्वरानंद और कालीचरण नहीं होते ना तो 9/11 भी नहीं होता, सीरिया भी नहीं होती और ये पूरे विश्व में अल्लाह अकबर बोल के जो बम फटते हैं ये सुइसाइड बॉम्बिंग भी नहीं होती, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और हम तो नहीं केवल ये संगीत रागी नहीं, हम सब तो नागिन ही है, काफिर है, हम सब काफिर हैं, नागिन हैं, आप नहीं 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 बिल्कुल कन्फेस कर रहे हैं भाई साहब, आपके आगे मार देंगे आप हमें, आप बम फेंक देंगे हमारे घरों पर, हमें हम क्या कर सकते हैं,
हम तो ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा ही गा सकते हैं, आप अभी धमका रहे थे, तुम जानते नहीं मैं क्या हूँ, मैं कैसे जवान बोल सकता हूँ। भाई साहब प्लीज बोल लूँ, हाथ जोड़ के निवेदन, मैं गुआ ये मर को तो मारा जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, हम तो मर रहे हैं। ये आप नॉन ये मरने की चित्रा जी, ये मरने की निशानी है, ये चिल्ला चिल्ला कर अभी यहाँ पर हमको नागिन काफिर मार देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम देखो तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, और बोल रहे हैं कि हम मर रहे हैं। अभय जी यार हम मर रहे हैं क्योंकि हम चिकन नहीं खा पा, किसने रोका इनका, अभय दुबे जी का और यहाँ पर वारिस पठान जी के चिकन को किसने रोका है, किसने रोका है इनको चिकन खाने से, दोनों चिकन खाएं आज रात को, मैं बता रहा हूं आपको, चिकन खाने ना दे तो आप हमें बोल देगा, चिकन हम लोग नहीं मैं आपके किसी भी भाई का अगर दिल्ली में चिकन। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, माफी के साथ अभय दुबे जी, आगे आपकी बात किसी और दिन हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर ये मामला गंभीर है जिसको लेकर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वुल्फ अटैक के जरिए जिस तरह से एक एक करके चेहरे सामने आ रहे हैं, यकीनन उसे पूरे देश को स्तब्ध करके रखा हुआ है। पूरे मामले में एटीएस की जांच जारी है, आगे क्या निकलकर सामने आता है इस पर रहेगी आज तक की नजर। क्या मुर्तजा के कबूलनामे से आतंकी नई साजिश का खुलासा हुआ है, ये सवाल आज हमने दंगल में पूछा था, आपके जो जवाब मिले हैं 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 12% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इस पूरे मामले में जांच जारी है, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।